हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटलाइन जीके पर। मैं सूरज कुमार मोदी। आज हम लोग देखेंगे मेटलर्जी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि आपके आने वाले टाटा एंड सेल एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करने से पहले आपको बोला जा रहा है मेटलाइन जीके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एंड लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नया नोटिफिकेशन आ जाएगा हम वीडियो अपलोड करने पर। तो बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्स्टेंट एन एलॉय यूज्ड इन थर्मोकॉपल इज एन एलॉय ऑफ, पूछा गया है। मतलब कॉन्स्टेंट जो एलॉय होता है, जो थर्मोकॉपल में यूज होता है, वो किस किस का एलॉय से बनाया होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है, आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज हमको होमवर्क के तरफ में दिया जाता है, इसको कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट आपको करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। व्हाइट मेटल कॉन्टेंट्स, मतलब व्हाइट मेटल जो होता है वो कौन कौन सा एलॉय से बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए उसका दिया गया है 63-67% निकेल एंड 30% कॉपर, ऑप्शन बी 20% कैडमियम एंड 80% आयरन, ऑप्शन सी एलॉय ऑफ टीन लीड एंड कैडमियम, ऑप्शन डी सिल्वर एंड क्रोमियम। तो इसका सही आंसर अब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू, एलॉय ऑफ टीन लीड एंड कैडमियम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, तो इसमें से जो दिया गया ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका हाईएस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होता है। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू, टिटानियम एलॉयज का हाईएस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। डाउ मेटल्स कॉन्टेंट्स, तो ये एक नया क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, ये भी टाटा एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको कन्फर्म तो नहीं बोल सकते लेकिन आ सकता है ये बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 90% मैग्नीशियम 9% एल्यूमिनियम विथ सम कॉपर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर यू। देख लीजिए और एक बार, 90% मैग्नीशियम एंड 9% एल्यूमिनियम विथ सम कॉपर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। फाउंड्री क्रूसिबल मेड ऑफ, पूछा गया है फाउंड्री का जो क्रूसिबल होता है वो किससे बनाया हुआ होता है, ऑप्शन ए माइल्ड स्टील से, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर से, ऑप्शन सी लीड से, ऑप्शन डी ग्राफाइट से। तो इसको भी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ग्राफाइट से बनाया हुआ होता है फाउंड्री क्रूसिबल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कैन बी लोअर्ड बाय, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है वो किससे लोअर्ड होता है, मतलब इसका ऑप्शन दिया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ऑप्शन बी ग्रेन रिफाइनमेंट, ऑप्शन सी वर्किंग एट लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। या तो ये होगा, या फिर ऑप्शन बी होगा, या फिर ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा। ऐसा क्वेश्चन किस में आया था ना, वाइजैक स्टील प्लांट में ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा। तो इसमें से कुछ नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में क्या क्या होता है, पहले रिक्रिस्टलाइजेशन का तीन स्टेप होता है, जो होता है रिकवरी होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, एंड थर्ड स्टेप होता है क्या ना, ग्रेन ग्रोथ होता है थर्ड स्टेज में। तो इसको भी आपको याद रखना है, रिक्रिस्टलाइजेशन का तीन स्टेप होता है एंड उसमें क्या होता है, तीन ठो में रिकवरी होता है, रिकवरी में क्या होता है ना, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बस खाली उसका क्या होता है ना, कैटरेक्टिंग पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो सब खाली रिमूव होता है, जिससे कि हम लोगों का कंडक्टिविटी मटेरियल में इंक्रीज किया जा सकता है। और क्योंकि देखिए एटम सब दूर दूर में होता है तो, और पॉइंट डिफेक्ट होता है तो क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन पास होने में, इलेक्ट्रिक फ्लो होने में तो हम लोगों का हो नहीं पाएगा, बॉन्डिंग सही से नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो क्या होता है नहीं हो पाता है। अगर हम लोग रिकवरी स्टेज में क्या होता है ना, जैसे ही रिकवरी स्टेज में थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें क्या होता है ना, पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, एटम्स ऑफ क्लोजनेस होते हैं, एटम्स ऑफ क्या होते हैं ना, क्लोजनेस होते हैं, जिससे क्या होता है ना, हम लोगों का पॉइंट डिफेक्ट खाली रिमूव होता है, उसको क्या बोला जाता है ना, स्कैटरिंग पॉइंट डिफेक्ट। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर होगा
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्रेन रिफाइनमेंट, वर्किंग एट लोअर टेम्परेचर। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑस्टेनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब ऑस्टेनाइट जो होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दिया गया है फेराइट एंड सीमेंटाइट, ऑप्शन डी ऑप्शन बी दिया गया है सीमेंटाइट एंड गामा आयरन, ऑप्शन सी अल्फा एंड गामा आयरन, ऑप्शन डी अल्फा एंड आयरन ग्राफाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंटाइट एंड गामा आयरन। गामा प्लस Fe3C से हम लोगों का क्या बनाया हुआ होता है ना, ऑस्टेनाइट होता है। ऑस्टेनाइट का कॉम्बिनेशन होता है गामा एंड Fe3C, मतलब ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। द ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ, मतलब ट्रांजिस्टर जो होता है वो कौन सा मेटल से बनाया हुआ होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सा मेटल से बनाया हुआ होता है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जर्मानियम से बनाया हुआ होता है ट्रांजिस्टर, जिसको भी आपको याद रखना है। तो ट्रांजिस्टर किससे बनाया हुआ होता है, जर्मानियम से बनाया हुआ होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लीड इज पोर्ड इन टू द जॉइंट्स बिटवीन टू पाइप्स, दिस पाइप्स मे बी मेड ऑफ, मतलब लीड पोर्ड जो जब होता है तो जॉइंट एक होता है टू पाइप्स के अंदर में। तो मान लीजिए एक पाइप है और ये एक पाइप है, तो इसका जो जॉइंट किया जाता है तो वही पूछा गया है मेड, और जो जॉइंट होता है वो किससे बनाया हुआ होता है। तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन से, ऑप्शन बी कॉन्क्रीट से, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील से। तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है तो आप जाके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू, कास्ट आयरन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड, अगर दो एबिलिटी ऑफ मेटेरियल अंडर गो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुका है विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स के अंदर, टेंसाइल फोर्स के अंदर अगर लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा। तो इसको आपको भी याद रखना है, इसका क्या कहा जाएगा ना, डक्टिलिटी कहा जाता है। टेंसाइल फोर्स में ना क्या किया जाता है, कोई भी देख ले, मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड का एक मेटल है, दोनों तरफ से क्या होता है खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा रहा है, तो उसका क्या होता है ना, ऐसा फॉर्मेशन हुआ एक ठो और ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं होता, एक मिनट बता रहे हैं, थोड़ा इमेज में गड़बड़ हो रहा है ऐसे। हाँ, तो ये जो थीन सेक्शन एक ठो क्रिएट होता है, मैं से मान लीजिए इधर से खींच रहे हैं कोई तार को, इधर से खींच रहे हैं कोई तार को, कोई उसका डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। डक्टिलिटी मतलब पता है, मतलब तो खींच के हम लोग जितना लंबा कर सकते हैं। तो इसको क्या किया, मतलब क्या होता है ना, जो एबिलिटी ऑफ मेटेरियल अंडर को लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स मतलब खींचना दोनों तरफ से, कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से दबाव देना होता है। तो टेंसाइल फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो क्या होता है ना, टेंसाइल फोर्स इज कर्ल्ड, जो टेंसाइल फोर्स देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द स्टीफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू रेजिस्ट द रेजिस्ट, वो बस इतना पूछा गया, ऑप्शन ए उसका दिया गया डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, ऑप्शन बी फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड्स, ऑप्शन सी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस विथ ब्रेकडाउन ऑफ वेल्डिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है आप जाके कमेंट बॉक्स में सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द मेसिनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, स्टील का अगर मेसिनेबिलिटी आपको इंक्रीज करना है उसमें क्या ऐड करने से उसका मेसिनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर क्या लग रहा है, ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकेल एंड क्रोमियम, ऑप्शन डी सल्फर लीड एंड फॉस्फरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर लीड एंड फॉस्फरस, इसे अगर हम लोग स्टील में ऐड करते हैं तो स्टील का मेसिनेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या, सल्फर लीड एंड फॉस्फरस, लीड का क्या होता है सिंबल PB, सीसा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ए स्टील विथ कार्बन डैश इज नोन एज हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
बेसिकली बच्चा लोग इसमें ही मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जो कि आयरन कार्बन डायग्राम अच्छा से जानता होगा ना, तो उसके लिए कोई भी कन्फ्यूजन है नहीं इसमें। तो देख बता मतलब हम लोग बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना, स्टील विथ कार्बन डैश इज नोन एज हाइपोयूटेक्टर स्टील। एक पॉइंट होता है, ये होता है 0.8 का होता है, तो ये साइड वाला होता है जी, और एक ये साइड वाला होता है, फिर उसके बाद आता है 2.1%, और इधर होता है 0.025% होता है। तो आपको याद रखना है 0.8% जो है ना, 0.8% से इधर वाला जो होता है वो, इसको क्या कहा जाता है ना, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है। और 0.8 से लेके 2.1% तक जो होता है ना, जो स्पेस होता है, उसको क्या कहा जाता है ना, हाइपरयूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है, हाइपरयूटेक्टोइड स्टील। तो आपको ये याद रखना है, 0.8 से अगर बिलो पूछा गया है तो हाइपो होगा, एंड 0.8 से 2.1 के मतलब 0.8 से मोर देन अगर पूछा है, और 2.1 से अगर लेस देन पूछा है तो हाइपर होगा। तो आपको भी याद रखना है, ये देखिए 2.1 और 0.8, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा के जैसे भी दो, आपको आंसर देना है क्या, 0.8 मतलब ये जैसे हो गया 0.8, मान लीजिए 0.8% है, और ये हो गया आपका 2.1%, 2.1% कार्बन है, तो पूछ देगा 2.1% से लेस जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है ना, इसको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहा जाता है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। और पूछ देगा 0.8 से बिलो जो है उसको क्या कहा जाता है ना, हाइपो उसको कहा जाता है। और पूछ दिया 0.025% से, मतलब जो परसेंटेज यहाँ होता है, जो आता है आयरन कार्बन में, आपको याद रखना ये जो आता है, ये वाला पोर्शन आता है, इसका जो ये होता है 0.025% होता है जो, तो इससे पूछ दिया 0.025% से मोर देन है तो उसको क्या कहा जाएगा ना, वो भी वही हाइपोयूटेक्टोइड स्टील कहा जाएगा। तो इसको भी आपको सही आंसर, आपको क्या लग रहा है, तो इसका सही आंसर होगा द स्टील विथ कार्बन डैश इज नोन एज हाई, हाँ क्या, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। तो इसको आपको क्या रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू, बिलो 0.8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द मेसनिंग ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर में क्या ऐसा ऐड करने से उसका मेसनिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू, सल्फर इसका राइट आंसर होगा, सल्फर। अगर सल्फर मतलब कॉपर में सल्फर ऐड करेंगे तो उसी का मेसनिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देयर आर 14 एटम्स इन ए यूनिट सेल, मतलब कोई भी यूनिट सेल है उसमें 14 एटम्स हो रहा है, तो उसको क्या, कौन सा स्पेस लाइट इसमें उसको बोला जाएगा, तो ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, कौन सा स्पेस लैटिस है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, ऑप्शन बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, ऑप्शन सी क्लोज फेस एक्सटर्नल स्पेस लैटिस, एंड ऑप्शन डी नो वन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है 14 एटम्स जो होता है ना वो किस में होता है ना, FCC में होता है, मतलब यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस में होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। When a low carbon steel is heated up to lower critical temperature, अगर low carbon steel को heated करेंगे lower critical temperature तक तो उसका क्या होगा, ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं होता है, जैसे ऑप्शन दिया गया, there is no change in grain size, the average grain size is maximum, the grain size increases very rapidly, the grain size first increases and then decreases very rapidly। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही बोल दिए थे, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है, देयर इज नो चेंज इन ग्रेन साइज, हम बोले थे ना, जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है, मतलब एनेलिंग का जो 3 स्टेप है, एनेलिंग मतलब जो कोल्ड वर्किंग के बाद जो हॉट वर्किंग किया जाता है, हॉट वर्किंग में क्या किया जाता है ना, एनेलिंग किया जाता है, और एनेलिंग का 3 स्टेप होता है, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, बता रहे हैं, यह होता है रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, थोड़ा देखिए याद रख लीजिएगा, हम शॉर्टकट से बता रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ जो होता है। तो जो रिकवरी स्टेप होता है उसमें
कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड किए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है रिक्रूवरी स्टेज में। बस क्या होता है ना, स्कैटरिंग पॉइंट डिफेक्ट सब जो होता है वही खाली रिमूव होता है और कुछ चेंजेस नहीं होता है। ग्रेन साइज वैसा के वैसे ही रहता है, कोई ग्रेन साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। रिक्रिस्टलाइजेशन में चेंजेस आता है और ग्रेन ग्रोथ में फिर और ग्रेन ग्रोथ होता है। बस आपको याद रखना है लो कार्बन स्टील में जब हीटेड करेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है ग्रेन साइज में, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द पोर्सन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। मतलब जो पोर्सन होता है, ऐसे मान लो ये आया ब्लास्ट फर्नेस और इधर इधर होता है, जो ये बिलो पर्सन आता है, जो बिलो वाइडेस्ट पर्सन जो है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर, अगर आपको पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है ना, ऑप्शन सी बोस कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा बेसिकली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कास्ट आयरन हैच। तो पूछा गया है कास्ट आयरन में क्या है जो, तो ये मतलब कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन का, हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, एक्सीलेंट मैसनेबिलिटी है, गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, एंड ऑल ऑफ दिस पूछा गया है। तो ये तीनों कास्ट आयरन में होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर यू। कास्ट मतलब हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी होगा, एक्सीलेंट मैसनेबिलिटी भी होगा और एंड गुड कास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम, मतलब जो कटिंग टूल्स होता है ना वो किससे बनाया हुआ होता है। तो आपको याद रखना है जितना भी कटिंग टूल्स है कुछ भी है तो वो किससे बनाया हुआ होता है ना, ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील से ही बनाया हुआ होता है। तो इसको आपको देख के जाना है, कटिंग टूल्स अगर कहीं भी दिख गया ना मतलब कोई भी एग्जाम में कटिंग टूल्स कैसे बनाया होता है, जैसे कि ब्लेड वगैरह हो गया, वो किस में बनाया होता है ना, हाई स्पीड स्टील से बनाया हुआ होता है। तो चलते हैं 20 नंबर, कील स्टील्स। कील स्टील्स आपको पूछ देख मतलब कील स्टील्स में क्या होता है ये पूछा गया है, आपको बस उतना ही देखना है कील स्टील क्या है। तो कील स्टील का ऑप्शन दिया हैव मिनिमम इम्प्योरिटी लेवल, आर प्रोड्यूस्ड बाय एलडी प्रोसेस, हैव ऑलमोस्ट 0% ऑफ फॉस्फरस एंड सल्फर, एंड ऑप्शन डी आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा घुमा के देगा, तो आपको बस ऑप्शन से इसी को मतलब देखना है। आप जब पढ़े होंगे कोई भी बुक, मतलब स्टील मेकिंग की जो बुक पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा, इसमें कील स्टील में कोई ऐसा ऑप्शन मतलब कुछ है नहीं, उसमें अंदर में कुछ लिखा है ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो बस ये दिखा गया है। और ये कील स्टील, सेमी कील स्टील, किलिंग ऑफ स्टील और जो होता है ना, ये क्या होता है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है। तो आपको देखना है, देखिए ऑप्शन डी दिया गया है आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो रिलेटेड होगा ना वही कील स्टील, सेमी कील स्टील। इसमें बताया गया क्या, डीऑक्सीडेशन ऑफ स्टील को ही कील स्टील, सेमी कील स्टील जो कन्वर्ट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर यू, आर फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन। तो कील स्टील में क्या नहीं है, कील स्टील में ऑक्सीजन एकदम नहीं रहता है, आपको याद रखना है। 21 नंबर, डाई पेनिट्रेशन मेथड इज जनरली यूज टू लोकेट, डाई पेनिट्रेशन जो टेस्ट होता है वो कहाँ लोकेट किया जाता है। तो ये क्या डिफेक्ट होता है, आपको वही पूछा गया है, कोर डिफेक्ट होता है, कोर डिफेक्ट तो होता नहीं है, ऑप्शन बी सरफेस डिफेक्ट होता है, सुपरफिशियल डिफेक्ट होता है, ऑप्शन डी टेम्पररी डिफेक्ट होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है ना, कोई भी सरफेस है और वो क्या होता है ना, सरफेस से क्रैक हो गया है, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस से क्रैक हो गया है, तो उसमें हम लोग जैसे थीन सेक्शन में हुआ है तो वो दिख नहीं रहा, तो उसको क्या किया जाता है ना, डाई पेनिट्रेशन में क्या होता है ना, एक कलर होता है, कलर को लाके मेटल के सरफेस में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है ना, जैसे कि आप ही कोई लकड़ी के ऊपर डाल दीजिए और लकड़ी थोड़ा क्रैक है, तो क्या होता है ना, मेटल जो डाई होता है, कलर होता है, वो इसमें पेनिट्रेट होगा और दिख जाएगा फिर नेकेड आई में हम लोगों को, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में इसीलिए किया जाता है सरफेस डिफेक्ट को देखने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द क्वेंचिंग ऑफ स्टील फ्रॉम द अपर क्रिटिकल पॉइंट्स रिजल्ट्स इन फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी स्टील को क्वेंचे मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर को हीटिंग कर दिए, होल्डिंग कर दिए फॉर होमोजेनियस ऑस्टेनाइट के चक्कर में, मतलब होमोजेनियस ऑस्टेनाइट पाने के लिए, और उसके बाद क्या किए, उसको रैपिड क्वेंचिंग किए या रैपिड कूलिंग किए, वही क्वेंचिंग मतलब रैपिड कूलिंग किए, तो उसके बाद उसमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली अडॉप्टेड टू। तो
ये पूछा गया है मतलब कौन सा प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया था, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए एलॉय एंड कार्बन टूल स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड टूल स्टील, ऑप्शन सी मैग्नेट स्टील एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ये तीनों उसमें क्या मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या जा सकता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और एक बात याद रखना है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऐसा एक फर्नेस है जो कि अकेले है जिसमें हम लोग बोथ ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कन्वर्ट कर मतलब हो सकता है, और ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन भी एटमोस्फियर क्रिएट किया जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, तो कोक जो चार्ज किया था ब्लास्ट फर्नेस में उसका क्या रोल मेजर रोल है, वो ही पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है आप देख लीजिए कमेंट मतलब ऑप्शन सब, कंट्रोल द ग्रेड ऑफ वीक आयरन, ऑप्शन बी एक टाइजन आयरन बियरिंग मिनरल, सप्लाइज हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन, ऑप्शन डी फॉर्म्स ए स्लैग बाय कंबाइनिंग विथ इम्प्यूरिटीज। तो इसका सही आंसर है सप्लाइज हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट स्टील मेकिंग प्रोसेस इज बींग एडॉप्टेड एट राउरकेला स्टील प्लांट, मतलब कौन सा है इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टील मेकिंग प्रोसेस है जो कि राउरकेला स्टील प्लांट में अडॉप्ट किया गया है। तो यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको अगर नहीं पता है तो बता दे रहे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, एलडी प्रोसेस को राउरकेला स्टील प्लांट में अडॉप्ट किया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, मेटलाइन जी के चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, जितना से जितना शेयर करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना बच्चा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा जिससे कि आपको, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हम नया वीडियो जैसे ही प्रोवाइड करेंगे आपको तो आपको नया नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और वीडियो का नया नोटिफिकेशन आने से आप जब वीडियो को देख पाएंगे अच्छे से। तो आपको ये भी याद रखना है, आज के क्वेश्चन सब कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन था तो देख लीजिएगा आप लोग, और PDF चाहिए तो मेरे को जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर में 7752025041 ये नंबर में जाके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा PDF चाहिए बोल के, तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे। और ये कोई ऐसा मत सोचिए कि कोई गलत काम के लिए आपको नंबर उम्बर नहीं चाहिए हमको, बस आप कोई भी लड़का के थ्रू से आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए तो हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और बस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेटलाइन जी के चैनल को, और एंड शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।